हेलो स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन दिस इज कनिका बत्रा योर मैथ्स टीचर स्टूडेंट्स येस्टडे वी हैव डन द कन्वर्जन ऑफ इमप्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन ठीक है आज हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन टू इमप्रॉपर फ्रैक्शन इट मीन्स वी कैन ओनली कन्वर्ट इमप्रॉपर टू मिक्स एंड मिक्स टू इमप्रॉपर हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम प्रॉपर फैक्शन को मिक्स फैक्शन में कन्वर्ट कर लें बिकॉज प्रॉपर फैक्शन वाली डिजिट्स डिवाइड नहीं होंगी लाइक यू आर हैविंग द नंबर इज़ थ्री इज़ टू फोर बाय नाइन ठीक है आपके पास नंबर क्या है थ्री इज टू फोर बाय नाइन दैट इज अ मिक्स फ्रैक्शन इसको हमने कन्वर्ट करना है इम प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स इम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करा था डिवीजन अब हम मिक्स से इम्प्रॉपर में करेंगे तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई हमने किसको करना है उसमें हम लोग क्लॉक चले थे इसमें भी हम लोगों को क्लॉक चलना है कैसे नीचे से यानी कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर व्हाट यू हैव टू डू डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करोगे मिडल नंबर से यानी कि मिडल टर्म से नाइन मल्टीप्लाई थ्री नाइन मल्टीप्लाई थ्री को आप सोल्व करेंगे नाइन थ्री जहाँ ट्वेंटी सेवन और बाकी जो आपका जो आंसर आ जाएगा उसको आप क्या करेंगे प्लस करेंगे फोर में क्या करना है आपको नाइन को मिडल टर्म से यानी कि डिनोमिनेटर को मिडल टर्म से मल्टीप्लाई और जो आंसर आ जाए उसको फोर में यानी कि उसमें न्यूमिनेटर प्लस और बाय में जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ ट्वेंटी सेवन प्लस फोर ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन इट्स थर्टी वन बाई नाइन तो ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन हो जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास कौन सी फ्रैक्शन हो जाती है इमर फ्रैक्शन क्या करना है आपको दोबारा से देखेंगे डिनोमिनेटर को टर्म से मल्टीप्लाई और जो आंसर आ जाए उसको न्यूमिनेटर में प्लस ठीक है लाइक यू आर हैविंग क्वेश्चन नंबर टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लाइंग मिक्स फ्रैक्शन टू इम्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट पार्ट है आपके पास सिक्स इज टू थ्री बाई फोर आपको क्या करना है सिक्स इज टू थ्री बाय फोर मिक्स फ्रैक्शन है सबसे पहले फोर को मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स से फोर मल्टीप्लाई सिक्स और इसके आंसर को हमने किस में प्लस करना है थ्री में और बाय में क्या लिखना है फोर यानी कि जो डिनोमिनेटर गिवन है एज इट इज़ डिनोमिनेटर जो गिवन है वो एज इट इज़ रहेगा बाकी ऊपर वाली जगह पे जो चेंज होने हैं वो न्यूमिरेटर में चेंज होएगा यानी कि चेंजेस किस में होंगे ओनली न्यूमिनेटर में तो मल्टीप्लाई करेंगे फोर सिक्स फोर सिक्सा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस थ्री बाय फोर ट्वेंटी फोर प्लस थ्री ट्वेंटी सेवन बाय फोर तो आपका आंसर क्या आ गया ट्वेंटी सेवन बाय फोर दैट इज द प्रोसेस टू कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन टू इम फ्रैक्शन क्या होता है ये मिक्स फ्रैक्शन को इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लाइक दिस देयर इज द एग्जाम्पल दिस वन कन्वर्टिंग फ्रैक्शन फोर इज टू थ्री बाय सेवन इन टू एन इम्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट मल्टीप्लाई द होल नंबर पार्ट ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन होल नंबर यानी कि जो फोर है इसको बोलते हैं होल नंबर ये कंप्लीट नंबर होता है तो फोर को सेवन से मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज ट्वेंटी एट एंड न्यूमिनेटर ऑफ द प्रोपर फ्रैक्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वन इसकी प्रोडक्ट में हमने किसको प्लस कर देना है न्यूमिनेटर को ट्वेंटी एट प्लस थ्री इज थर्टी वन बाई सेवन ये प्रोसेस रिटर्न है आपकी बुक में भी और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फर्स्ट प्रोसेस क्या रहता है हमारे पास फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड द होल नंबर थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन आपका आंसर क्या आ जाएगा फोर्टी सेवन और डिनोमिनेटर में क्या है सिक्स तो नंबर क्या आ गया फोर्टी सेवन बाय सिक्स ठीक है इसके बाद होता है बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है यानी कि आपके पास जो सीरीज बन रही है ना वो उसको हम जब डिवाइड करें यानी कि ब्रेक करें तो फर्स्ट वाली टर्म आ जाए लाइक मेरे पास एक सीरीज है वन बाई टू टू बाय फोर फोर बाय एट और एट बाय सिक्सटीन इसको जब हम कट करें यानी कि मैं टू बाय फोर को अगर कट करूं टू वन जो टू 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 ज़ा फोर फर्स्ट नंबर आ रहा है मेरे पास मैं फोर बाय एट को ब्रेक करूं फोर वन ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट फर्स्ट नंबर आ रहा है मेरे पास एट बाय सिक्सटीन को मैं ब्रेक करूं एट वन ज़ा एट एट टू ज़ा सिक्सटीन फिर से फर्स्ट नंबर आ रहा है मेरे पास इट मीन्स क्या होता है पूरी सीरीज में से हम किसी को भी कट करके अगर उसकी लोएस्ट फॉर्म में यानी कि उसके छोटी टर्म में उसको चेंज कर देते हैं तो हमारे पास आंसर उसका फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट नंबर आ जाता है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन दैट हैव सेम वैल्यू बट दे लुक डिफरेंट देखने में तो ये डिफरेंट होते हैं बट उनकी वैल्यू क्या होती है सेम होती है लाइक टू पार्ट्स हैं उसमें से वन पार्ट को शेड कर दिया वन बाई टू आ गया यहाँ पे फोर इक्वल पार्ट्स हैं टू पार्ट को शेड कर दिया टू बाई फोर आ गया लेकिन अगर हम देखें तो ये पूरे में से आधे पार्ट को ही कलर कर रखा है ना इसी इसी तरह से यहाँ पे एट पार्ट्स हैं फोर पार्ट को कलर कर दिया यानी कि पूरे में से आधे पार्ट को ही तो कलर कर दिया अगर हमने इसको कट करना है इसको अगर हम कन्वर्ट करें इस चीज़ में लोएस्ट फॉर्म में तो हमारे पास यही नंबर आंसर आएगा ठीक है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक वेदर द फॉलोइंग टू फ्रैक्शन आर इक्वीवेंट ये है टू बाय थ्री और ये है फोर बाय सिक्स टू बाय थ्री और फोर बाय सिक्स आर इक्वेलेंट कैसे क्योंकि अगर हम इसको कट करेंगे तो टू बाय थ्री ही आ जाएगा बट यहाँ पे रिटर्न क्या है निकाला कैसे हो इसको वी कैन फाइंड इक्वेलेंट फ्रैक्शन बाय द इसमें है शेडिड एरिया विद रिस्पेक्ट टू द होल पार्ट इज द सेम होल पार्ट में से आधे पार्ट को थ्री में से टू पार्ट को कलर कर दिया और यहाँ पे सिक्स में से फोर पार्ट को थ्री का डबल क्या है सिक्स और टू का डबल क्या है फोर तो ये दोनों इसके डबल हैं इसके तीसरे आधे पहाट में से इसको हमने कलर कर दिया तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकालते कैसे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो फर्स्ट वाला टर्म है आपको नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है तो आप उसको टू बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू वन जा टू 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 जा फोर इट मीन्स हमने जिस भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है वो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे दोनों कैसे होंगे सेम होंगे मेरे को अगर करना है वन बाय फाइव का नेक्स्ट टर्म निकालनी है और मैंने थ्री बाय थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा थ्री वन जा थ्री फाइव थ्री जो फिफ्टीन दिस इज़ कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम यानी कि डि न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम हमें जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है उसमें हम लोग ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम नंबर रख के नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं और अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट फर्स्ट और आंसर दे रखा है और आपको ये वाली टर्म यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है तो आप खुद से चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर आए ठीक है थीके? लाइक है फाइंड एनी टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ वन बाय नाइन वन बाय नाइन की कोई भी टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है तो वन बाय नाइन को सबसे पहले टू बाय टू से फिर थ्री बाय थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया टू बाय एटीन और थ्री बाय ट्वेंटी सेवन वन थ्री थ्री नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन वन टू टू नाइन टू जा एटीन तो टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ वन बाय नाइन इज टू बाई एटीन और थ्री बाई ट्वेंटी सेवन दिस इज द इजिएस्ट वे टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ठीक है तो अब हमें बतानी है फाइंड एन इक्वेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फोर बाय सेवन विद ट्वेंटी फोर एज द न्यूमिरेटर क्या है फोर बाय सेवन का इक्वेलेंट फ्रैक्शन बताना है यानी कि हम फोर बाय सेवन को किससे मल्टीप्लाई करें कि इक्वल टू के बाद वाला जो आंसर है उसका न्यूमिरेटर तो आए ट्वेंटी फ़ोर और नीचे वाली टर्म आपको फाइंड आउट करनी है इक्वेलेंट फाइंड आउट करने की कंडीशन क्या होती है अगर आपके पास ये वाला नंबर नहीं है तो हम ये वाला नंबर अपनी चॉइस से लेके फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास ये वाला नंबर है तो हम कैसे करते हैं आपको क्या चेक करना है कि फोर के टेबल में ट्वेंटी फोर कौन से नंबर पे आता है फोर वन ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व फोर फोर ज़ा सिक्सटीन फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर तो अब मैं यहाँ पे दोनों यानी कि न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मैं क्या राइट डाउन कर सकती हूँ सिक्स बाई सिक्स यानी कि फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर सेवन सिक्स जा फोर्टी टू क्या आ गया फोर सिक्स ट्वेंटी फोर सेवन सिक्स फोर्टी टू तो मेरे पास डिनोमिनेटर आ गया फोर्टी टू इट मीन्स कि हमने एक नंबर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल ली और इक्विवेलेंट एट फ्रैक्शन से हमने सेकेंड नंबर फाइंड आउट कर लिया ठीक है टू काम हो गया ना वन नंबर से ही हमने टू काम कर लिए इसको इसको बोलते हैं ब्लैंक्स को फिल करना यानी कि आपके पास फर्स्ट टर्म और आंसर का कुछ पार्ट दे रखा है उससे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की हेल्प से नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है जैसे आपके पास है लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म क्या होती है कि कोई भी फ्रैक्शन आपको गिवन है उसको हमने छोटा करना है अगर वो कट हो सकता है तो जैसे फाइव बाई टेन है फाइव बाई टेन में क्या नंबर कॉमन है फाइव नंबर कॉमन है अगर इसको फाइव से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव वनजा फाइव टेन को फाइव से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा टू यानी कि फाइव बाई टेन एंड वन बाय टू आर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है वन बाई टू यानी कि इसका फर्स्ट नंबर क्या है वन बाय टू सिमिलरली सिक्स बाई एटीन है इसमें कॉमन नंबर क्या है थ्री टू के टेबल में भी आता है वैसे लेकिन टू के टेबल में नाइन के नंबर पे आता है उसके बाद बच जाएगा तो इसको डायरेक्ट थ्री से कर दिया थ्री से करा तो ये आ गया टू सिक्स के टेबल में थ्री थ्री के टेबल में सिक्स कौन से नंबर पे आता है टू और थ्री के टेबल में एटीन सिक्स तो सिक्स बाय एटीन की फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी टू बाय सिक्स नेक्स्ट फिर से इसको डिवाइड किया सिक्स बाय सिक्स से तो आ गया वन बाय थ्री तो इट मीन्स सिक्स बाय एटीन टू बाय सिक्स एंड वन बाय थ्री आर द थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ सिक्स बाय एटीन एज वन इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ वन एंड थ्री क्योंकि वन और थ्री इज द वन और थ्री का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है इसलिए यहीं स्टॉप हो जाएगा आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे ठीक है अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं टू बाई सिक्स को तो भी तो आंसर वन बाय थ्री आ जाएगा ना टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स ट्वेल्व बाई एटीन की लोएस्ट फॉर्म बतानी है तो हम क्या देखेंगे ट्वेल्व और एटीन के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं वन टू थ्री और सिक्स तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है सिक्स इसको डिवाइड कर दिया सिक्स बाई सिक्स से सिक्स टू जा ट्वेल्व सिक्स थ्री जा एटीन इस वे से हमें करना है ठीक है अब हम देखेंगे एक बार फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है आपके पास थ्री बाई एट इज इक्वल्स टू थ्री बाई एट इन टू टू बाई ब्लैंक तो हम लोग यहाँ पे कौन सा नंबर राइट डाउन कर देंगे टू बाई टू और इसके बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा बताएंगे थ्री टू जा सिक्स एट टू जा सिक्सटीन यहाँ पे टू क्यों राइट डाउन करा बिकॉज हमें इक्वल इंफ्रेक्शन फिल करनी है ठीक है ऐसे ही आपके पास है फोर बाय सेवन इक्वल्स टू ब्लैंक एंड टू बाई टू तो यहाँ ऊपर हम क्या राइट डाउन कर देंगे फोर उसके बाद आप इसको सॉल्व करके यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं सेम एज इट इज इन डिवीजन फोर बाय फोरटीन फोर बाय फोरटीन डिवाइडेड बाय नीचे टू है तो ऊपर भी क्या राइट डाउन कर देंगे टू तो फोर के टेबल में टू कौन से नंबर पर आता है टू हो जाएगा फोर्टीन के टेबल में फोर्टीन के टेबल से डिवाइड करेंगे टू को तो टू के टेबल में फोर्टीन सेवन तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा टू बाय सेवन सेम एज इट इज़ नीचे फाइव है तो ऊपर भी क्या आ जाएगा फाइव फाइव बाय सेवन है फाइव बाय सेवन अब देखो यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ बट यहाँ पे नंबर है ये है ट्वेंटी वन तो सेवन के टेबल में ट्वेंटी वन कौन से नंबर पे आता है थ्री तो यहाँ ऊपर भी और नीचे भी हम क्या राइट डाउन कर देंगे थ्री थर्टी थर्टी बाई फोर्टी ए डिवाइडेड दिस एंड ब्लैंक अब देखो थर्टी को हम किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर फिफ्टीन आए फिफ्टीन के टेबल में थर्टी कौन से नंबर पे आता है फिफ्टीन वन जा थर्टी तो यहाँ पे क्या लिख दिया टू जब हमारे को यहाँ से ना पता चले तो हम इस साइड से भी चेक कर सकते हैं कि फिफ्टीन के टेबल में थर्टी आता है यहाँ डिवाइड का साइन है मीन्स यहाँ से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई फिफ्टीन टू जा थर्टी तो फोर्टी एट को टू से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा टू टू जा फोर और टू फोर ज़ा एट ट्वेंटी फोर

फोर के टेबल में ट्वेंटी एट कौन से नंबर पे आता है? आप कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ट्वेंटी एट आएगा फ़ोर सेवन जा इट मीनस हम लोग इसको किस फॉर्म से राइट डाउन करेंगे थर्टी फाइव बाई ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय सेवन बाय सेवन इक्वल्स टू फोर एंड ब्लैंक थर्टी फाइव के टेबल को सेवन से डिवाइड थर्टी फाइव को आप सेवन से डिवाइड करेंगे तो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव आंसर इज़ फाइव जब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है तो आपको इस साइड से चेक करना है कि फोर के टेबल में ट्वेंटी एट कौन से नंबर पे आ रहा है फोर सेवन जा तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे सेवन बाय सेवन डिवाइड थर्टी फाइव को सेवन से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा फाइव नेक्स्ट है आपके पास फिफ्टी वन ब्लैंक इट्स इक्वल्स टू थ्री बाय थ्री बाय वन तो अब आप आपको क्या देखना है फिर से इस साइड से देखना है तो जब हम इस साइड से देखेंगे तो हमें इसको डिवाइड करके देखना है फिफ्टी वन को आप थ्री से डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा कि हम क्या सॉल्व करें थ्री वन 3 फाइव माइनस थ्री टू वन थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन यानी कि 17 फिफ्टी वन डिवाइडेड बाय सेवनटीन बाय ब्लैंक डिवाइडेड बाय 17 इट्स इक्वल्स टू थ्री बाय फिटीन डिवाइडेड बाय सेवेंटीन एंड ब्लैंक डिवाइडेड बाय सेवेंटीन अब सेवेंटीन को हम किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर वन आए सेवेंटीन को सेवेंटीन से किससे डिवाइड करेंगे सेवेंटीन से ठीक है इस टाइप से आपको इसको ट्राई करना है सेम एज इट इज इन दिस सिक्सटी इज इक्वल्स टू फिफ्टीन फिफ्टीन के टेबल में सिक्सटी कौन से नंबर पे आता है हम किस से मल्टीप्लाई करें फोर से इट मीन्स हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा के फोर बाय फोर कर सकते हैं ठीक है अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है इसमें देन यू कैन आस्क टू मी अदरवाइज आई विल टेक जूम क्लास ऑन थर्जडे ऑफ दिस ठीक है आपको प्रॉब्लम है देन थर्सडे को मैं इसके टॉपिक की एक जूम क्लास और ले लूंगी इफ यू ऑल आर अग्री देन बता दीजिएगा मुझे आई विल टेक अदरवाइज डू दिस क्वेश्चन टिल स्किल बिल्ड टू ओके